हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, गेस व्हाट, ये जो वीडियो है ना, ये होने वाला है मीशो किचन हॉल वीडियो एंड होम डेकोर हॉल वीडियो, क्योंकि मैंने एक बार जो है अपने चैनल पे डाला हुआ है, मीशो का किचन हॉल वीडियो डाला हुआ है, उस पर ना मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिले एंड आपने बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि और भी इस तरह के मैं लेकर आऊँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो या मैं इसीलिए आ गई, इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ। ऑलमोस्ट आई थिंक इसमें है 20+ आइटम्स हैं, तो या आप सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें किचन के रिलेटेड भी हैं एंड होम डेकोर के रिलेटेड भी हैं। जब मेरा नया घर बना था तब मैंने बहुत सारी चीजें जो है मंगाई थी मीशो से, जो कि मैंने बहुत सर्च किया था इवन ऑन अदर साइट्स एज वेल कि शायद मुझे कहीं कम में मिल जाए, बट नहीं, वो सारे साइट से मुझे ना डबल ट्रिपल प्राइस में मिल रहा था, बट द सेम थिंग मुझे मेरा मीशो पे ऑन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो इसीलिए मीशो पे एक्चुअली में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्लस चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं, ये तो मैं मान ही गई थी। सो या गाइस, इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विद नेम में डाल दूंगी ताकि आप सबको ईजी हो सके बाय करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट में किस कंडीशन में रिसीव हुआ है, इनके क्या क्या क्वालिटीज है। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है ये वॉल पेंटिंग, जो कि ये है समथिंग लाइक 286 रुपीज का, और इसमें हमें 5 पीस मिलेगा। तो कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे इसमें इंस्टॉल किया, बट इन रियलिटी ये थोड़ा सा छोटा आएगा साइज में, और मैंने इसमें गैप करना भूल गई तो ये मैंने इसको अटैच ही कर दिया। बट इसका जो 3D वाला लुक है ना, बहुत ही अमेजिंग है, जैसे कि फोटो में था एग्जैक्टली वैसा मिला भी है। क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है। पीछे हमें इसमें मिल जाएगा डबल टेप वाला मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से इसको पेस्ट कर सकते हो वॉल पे। एंड ये वुडन का इसका पूरा ये मटेरियल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आप इसे जरूर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट आई एक और पेंटिंग, जो कि मैंने साथ में ही मंगाया था। इसका जो प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ समथिंग लाइक 242 रुपीस का है। ये मैंने यहाँ पे बुद्धा वाले पैटर्न में मंगाया था। इसके को ये भी एक स्मॉल साइज में ही आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। अगर आपका बड़ा वॉल है तो आपके लिए सूट नहीं होगा, कहीं भी छोटे वॉल्स पे आप इसको जरूर लगा सकते हो। देखने में बहुत ज्यादा स्टनिंग है, 3D वाला पूरा इसका लुक है एंड इसका कलर वगैरह बहुत स्टनिंग है, आप इसे जरूर ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में भी है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये रहा नेक्स्ट एक मसाले का डब्बा, जो कि पूरा स्टील का पूरा यहाँ पे मटेरियल है एंड हमें इसमें यहाँ पे 367 वाला पूरा यहाँ पे ग्लास रिसीव है। एक्चुअली इसका जो अपर पोर्शन है ना, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अंदर में मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का मसाला डाला हुआ, एक्चुअली इधर उधर कहीं पे पूरा गिर गया है, थोड़ा मिक्स हो गया है क्योंकि बच्चे भी हैं तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो इस तरह का आप जो कोई भी मसाले वगैरह स्टोर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एक्चुअली इसमें 2 स्पून नहीं, मुझे 1 ही स्पून मिला था। मैंने एक और भी बॉक्स सेम इसी तरह का मंगाया हुआ है कुछ खड़े मसाले रखने के लिए। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड एक्चुअली आई थिंक ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, बट मैं इसका कुछ सिमिलर प्रोडक्ट डाल दूंगी, कोई और सेलर से अगर मिलेगा तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी आप सबके लिए। इसका जो प्राइस है आई थिंक अराउंड 400 to 500 रुपीज का है, बट ये बहुत ही वर्थ बाइंग है। ये पूरा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है एंड ये अपर में इसका जो पूरा ये फिनिश है, जो ग्लास का फिनिश है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्ट्रांग भी है, आप इसे जरूर ले सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट है ये फ्रिज का स्टोरेज बॉक्स, जो कि मैंने इसको मंगाया था। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का भी है, ये इस तरह का पूरा प्लास्टिक का आएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसमें यहाँ पे काफी सारी चीजें स्टोर करके रखी हुई है। इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा धनिया डाल दिया है एंड इसमें यहाँ पे भिंडी है, तो मैंने भिंडी ज्यादा थी तो मैंने यहाँ पे तीनों बॉक्स में डाल दिया है। ये आपको 6 पीस रिसीव होगा। इसका जो प्राइस है 271 रुपीज का है एंड मैंने इसमें यहाँ पे कड़ी पत्ता भी स्टोर करके रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का ये मटर भी मैंने इसमें रखा हुआ है। तो आप भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप कुछ भी कोई भी चीज आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो और भी आप पीसेस मंगा सकते हो। मुझे इतने प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी मिला है ये। आई नीप इसका पीछे ना कुछ इस तरह का यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है, आप इजिली इसको क्लीन भी कर सकते हो और फिर से आप इसे फ्रिज में डाल सकते हो। कुछ इस तरह का आप जो है फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। मैं और भी कुछ पीसेस इसमें और भी मंगाऊंगी ताकि मैं और भी कई सारी सब्जियां जो है रख सकूं, क्योंकि मेरी बड़ी फैमिली है तो मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला स्टोरेज चाहिए होता है। बट हाँ, छोटी मोटी चीजें इस तरह का आप रख सकते हो, बहुत ही यूजफुल है। आपका फ्रिज भी क्लीन दिखेगा और ज्यादा मेसी भी नहीं लगेगा। बेस्ट ऑप्शन है ये आपके फ्रिज के लिए भी बाय करने के लिए, आप इसको जरूर परचेज कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सो गाइस नेक्स्ट रहा ये स्पून, तो ये एक्चुअली इतना ही नहीं है, ये 12 पीसेस का था बट ऑलरेडी 6 पीस जो है यूज हो चुके हैं मेरे घर में, तो मैंने बाकी 6 पीस जो है इस तरह का रख दिया था सेपरेटली। तो लेट मी शो ऑल ऑफ यू कि ये कैसा दिखता है। तो जैसे आप देख सकते होंगे ये यहाँ पे 4 पीस इसमें है और बाकी सारे जो है मैं यूज कर चुकी हूँ। तो इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह का पूरा फिनिश आएगा, पूरा प्लास्टिक का है एंड इसके ऊपर कुछ इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है और ये यहाँ पे स्टील का है, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, मतलब ये काफी ज्यादा वीक भी है एंड क्योंकि आई थिंक इसमें 2 या 3 जो है ऑलरेडी टूट भी चुके हैं। तो आप कोई भी हार्ड चीजें इससे नहीं निकाल सकते हो, जैसे कि कोई सॉफ्ट चीजें हो, आइसक्रीम्स हो या फिर कुछ और भी खाने पीने की चीजें हो, उस तरह के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी कोई भी चीज जो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है ना, उसमें से आप इसको जो ऐसे निकाल नहीं सकते हो क्योंकि ये टूट भी सकता है, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। वेल अदरवाइज इसकी जो पूरा क्वालिटी काफी ठीक है, प्राइस वाइज भी ठीक ही है, 246 रुपीज का है कुछ, और इसमें 12 पीसेस रिसीव होगा। तो आप जो है कुछ सिर्फ कोई भी हल्के फुल्के चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, वरना ये बहुत ही आसानी से जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको पसंद आए तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हो। तो गाइस ये है कि यहाँ पे कप स्टैंड जो कि मैंने मंगाया हुआ है एंड इसमें ना आप टोटली 12 कप्स जो है आप इसमें हैंग कर सकते हो, स्टील का ही पूरा इसका मटेरियल है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ही यहाँ पे पीसेस हैंग किया है जो मैं ऑलरेडी डेली यूज करती हूँ उसी तरह के लिए। सो गाइस जस्ट ये 153 रुपीज का है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है, तो आप जरूर इसको परचेज कर सकते हो। कोई भी एक कॉर्नर पे यहाँ पे आप इसको रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो, जिससे आपका स्पेस भी काफी ज्यादा कम बचेगा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आप इसको जरूर जो परचेज कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस ये है यहाँ पे क्यूट सा एक जार जो कि यहाँ पे कैप्सिकम पैटर्न में जार रिसीव हुआ है एंड ये बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड प्रिटी भी है एंड ये जैसे कि फोटो में था एग्जैक्टली वैसा रिसीव भी हुआ है। तो आप देख ही सकते होंगे ये पूरा रेड कलर का रहेगा यहाँ पे, इसमें पूरा ग्रीन कलर का इसको यहाँ पे दिया हुआ है लीफ के पैटर्न में। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे अचार जो है स्टोर करके रखा हुआ है। इसका जो पूरा मटेरियल है वो सिरामिक का मटेरियल है, इसका फिनिश वगैरह बहुत ही ज्यादा प्रिटी एंड फाइन है, आप देख सकते होंगे बहुत ही एलिगेंट वाला पूरा इसका लुक है एंड ये बहुत ज्यादा ही क्यूट लगता है, अगर आप अपने किचन में रखोगे ना बहुत ज्यादा स्टनिंग लगेगा एंड ये बहुत ज्यादा स्पेशियस भी है अंदर से, आप देख सकते होंगे इसमें कोई भी अचार वगैरह जो आप इसमें स्टोर करके आपका जो भी मर्जी करे उसमें आप जो कोई भी चीज है इसमें स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वाला ये पूरा जार है, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, अपने किचन को सजा सकते हो इस चीज से, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक डबल टी कप सेट है ये एंड ये बहुत ही क्यूट सा है, पूरा एक क्रिस्टल क्लियर वाला पूरा लुक है इसका, आप देख ही सकते होंगे एंड थोड़ा सा बबली जैसा पूरा इसमें यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है। तो हमें यहाँ पे 2 कप मिलेंगे, इसका जो प्राइस है 105 रुपीज का है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रिसीव हुआ है एंड ये बहुत ही क्यूट सा भी है, आप अपने किचन में या फिर कहीं भी आप इसको थोड़ा सा फैंसी यूज के लिए जरूर इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये एंड मुझे तो बहुत ही ज्यादा ही पसंद आया है, मैं अपने किचन में इसको यहाँ पे सजा के रखूंगी। आप इसमें एवरीडे जो है टी वगैरह या फिर कोई भी आपका जो भी मन करे इसमें आप जो है डाल के पी सकते हो, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए। मीशो पे बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको ये मिल रहा है, आई थिंक किसी को मिस नहीं करना चाहिए, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट रहा ये 2 पीस का ये डेकोरेटिव फ्लावर वॉस है ये एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख ही सकते होंगे ये पूरा ग्लास का मटेरियल है एंड 2 पीस हमें रिसीव हो, एक थोड़ा सा बड़े साइज में, थोड़ा सा छोटा साइज में मिलेगा। इसका जो प्राइस है अराउंड 360 रुपीज का है एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी भी है, इसकी क्वालिटी बहुत ही स्टनिंग है एंड आई डोंट थिंक कि इतने प्राइस में आपको कहीं और बाहर में मिलेगा, मीशो पे बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको मिल रहा है। गोल्डन पूरा इसके यहाँ पे फिनिश दिया हुआ है एंड मुझे बहुत ही ज्यादा ऑसम लगा, इसमें कोई भी डिजाइन के फ्लावर्स वगैरह आपको जो मन करे आप इसमें रख के अपने कोई भी प्लेस को डेकोरेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा है। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ जो इसमें मैंने रखने के लिए मंगाया था, तो ये है एक पूरा यहाँ पे लीफी पैटर्न का मैंने इसमें मंगाया था, तो यहाँ पे 2 सेट रिसीव होगा इस तरह का, आप देख सकते हो पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड फाइन पूरा इसका लुक है एंड इसका जो प्राइस है इट इज लाइक अराउंड 260 रुपीज है, तो 260 रुपीज में हमें यहाँ पे 2 सेट रिसीव होगा इस तरह का एंड ये काफी बड़े लीव्स हैं, बहुत ज्यादा भी हैं, तो मैं कुछ इस तरह के इसमें यहाँ पे रखती थी, इसमें और भी कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करने का सोच रही थी, थोड़ा अपर से भी दिखा दो, तो कुछ इस तरह का पूरा मैं इसमें यहाँ पे रखती थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है ये, आप इसको जरूर ले सकते हो अपने घर को, इस तरह की चीजों से आप इसको अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हो, मैं इसको जरूर रेकमेंड करूंगी सभी को बाय करने के लिए, इसका भी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट रहा ये प्रोडक्ट, ये है पूरा 8
टाइट कंटेनर्स है ये, जो कि यहाँ पे स्क्वायर वाले शेप में मैंने इसको मंगाया हुआ है। ये थोड़े से बड़े वाले साइज के हैं, आई थिंक ये 1000 मिलीमीटर का कुछ है इसमें, तो इससे भी छोटा साइज आता है, आपको जो साइज पसंद है आप उसको ले सकते हो। तो इसमें इस तरह की चीजें जो आप इसमें स्टोर करके बड़े आराम से रख सकते हो। इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का है ये, प्लास्टिक का क्वालिटी है। एंड इसका जो पूरा यहाँ पे ये है ना, जिसे आप देख सकते होंगे, इसको अच्छे से टाइटली आप इसको इसमें बंद करके रख सकते हो, कोई भी चीजें जो खराब भी नहीं होंगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, क्लासी वाला लुक देगा आपके पूरे किचन के लुक को। तो इसमें पूरा मैंने टोटली 8 पीस मैंने मंगाया था, इसमें 6 पीस भी अवेलेबल है, 4 पीस भी अवेलेबल है, तो आपको जितना चाहे उतना मंगा सकते हो। बट हाँ, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंड बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है आपके किचन में कोई भी चीजें इस तरह का स्टोर करके रखने के लिए, दाल और इस तरह कई सारी चीजें जो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही एक अच्छा लुक भी देगा आपके किचन को, मेसी लुक नहीं रहेगा। एंड इसका जो प्राइस है समथिंग अराउंड 566 रुपीज का है, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छी यहाँ पे डील में मुझे पूरा मिला था। मैं जरूर रिकमेंड भी करूंगी सभी को बाय करने के लिए। सो 560 रुपीज में हमें यहाँ पे पूरा टोटल 8 पीस मुझे यहाँ पे इसमें मिला था, ऑफर में था, मैंने इसको लिया हुआ था। आप भी जो इस तरह की चीजें ले सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, मैंने कुछ इस तरह के मैंने यहाँ पे इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा क्लासी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है इस तरह का यहाँ पे रखने से भी, और ये काफी ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, तो बहुत ही बढ़िया भी है कहीं भी इसको इस तरह का स्टोर करके रखने के लिए भी। तो मुझे तो ये बहुत ही बेस्ट बाय लगा, आप इसको जरूर जो है परचेज कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट आई अगेन वन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्नी, एंड ये पूरा सेरामिक का ही है। अगेन मैंने इसमें यहाँ पे अचार रखा हुआ है इस तरह का बना के, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी है। इसका जो प्राइस अराउंड ओनली जस्ट 246 रुपीज का है, एंड इतना बढ़िया हमें ये आई थिंक आधा किलो तक इसमें आराम से आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया वाली क्वालिटी भी है, इसका फिनिश एंड लुक आप देख ही सकते होंगे, एंड ये काफी हैवी भी है। इसका जो क्वालिटी है ना सेरामिक की, वो बहुत ही मुझे बढ़िया लगा है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है पूरा ये, अंदर से भी काफी ज्यादा स्पेशियस है। इस तरह का इसमें आपे कैप मिल जाएगा हमें, तो आप भी जो इसमें इस तरह का जो बर्नी अपने किचन में लेके रख सकते हो, कोई भी अचार वगैरह इसमें बना के रख सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इतने अच्छे प्राइस में मिल रहा है मीशो पे, आप इसको जरूर जो है ट्राई कीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट आई ये आइसक्रीम मोल्ड, जो कि मैंने इसको मंगाया क्योंकि अभी गर्मियां जो है स्टार्ट हो गई हैं, और घर पे कुछ हम इस तरह का कोई भी आइसक्रीम वगैरह बना के इसमें इससे बना सकते हैं, कुल्फी वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये ओनली जस्ट 130 रुपीज में मुझे मिला था, एंड इसमें टोटल हमें यहाँ पे 6 मोल्ड्स मिलेंगे जैसे आप देख सकते होंगे। एंड कोई भी इजिली क्विकली आप कोई भी आइसक्रीम जो इसमें बना के रख सकते हो फ्रीजर में डाल के, एंड मैंने बनाया भी है, काफी बढ़िया से ये यहाँ पे निकल भी जाता, बट हाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, पूरा प्लास्टिक का है ये, एंड क्यूट सा भी है। आप अपने फ्रीजर में कोई भी इसमें आपको जो भी बनाना आता हो इसमें जो है रख के स्टोर करके आप इसमें फ्रीजर में डाल के अब एक बढ़िया सा आइसक्रीम घर पे ही बना सकते हो, क्योंकि गर्मियों में बच्चे जो है बाहर का ही लेकर आके खाते हैं, तो आप जो घर पे इसमें इस तरह का बना सकते हो, इजिली बना सकते हो। भी एक बेस्ट बाई है किचन फाइंड्स में, आप इसको जरूर जो है ट्राई कीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट है एक आयरन का ट्री वॉल आर्ट डेकोरेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग में मुझे मिला है ये, समथिंग अराउंड 900 रुपीज में मुझे मिला था। सो जैसे आप देख सकते होंगे पूरा ट्री वाले पैटर्न में, पूरा आयरन का पूरा मटेरियल्स में इसमें पूरा इससे पूरा बना हुआ है, यानी थोड़ा सा मीडियम साइज में आएगा, ज्यादा बड़ा साइज में नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे जगह जो देखी थी वहां पे 3000-6000 के इस तरह के पूरा रेट्स में, इस तरह के रेंज में मिल रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था, एंड लकीली मुझे मीशो पे मिल गया, एंड ये बहुत ही अमेजिंग है आपके कोई भी कॉर्नर्स को, आपके कोई भी जो वॉल है ना उस पर डेकोरेट करने के लिए। इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं आएगा, बस प्लेन सा सिर्फ इस तरह का हमें यहाँ पे ट्री का पूरा वॉल मिलेगा, और ट्री का पूरा इस तरह का डिजाइन मिलेगा। आप चाहो तो इसमें कोई भी फेरी लाइट वगैरह डाल के इसको और भी डेकोरेटिव बना सकते हो, बट हाँ मेरे इस तरह के पूरा पोर्शन के लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस हो गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मीशो पे इतने कम प्राइस में ये मिल गया, क्योंकि आई थिंक आप सबको तो पता ही होगा कि इस तरह की चीजें जो है कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, अगर हम बाहर भी खरीदें या फिर कहीं किसी और भी साइट पे खरीदें तो भी इतना बहुत ज्यादा ही प्राइसी होता है। बट हाँ मीशो पे अवेलेबल है, आप इसको जरूर जो है ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी भी है इसका, आप इसका डेफिनेटली बाय कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट है ये अगेन वन ऑफ अ हैंड क्राफ्टेड आर्ट वॉल, जो कि पूरा मेटल का बना हुआ है, ये काफी ह्यूज साइज में है ये। मैं आप सबको थोड़ा सा और भी पीछे लेके दिखाती हूँ आप सबको कि कितना ये पूरा स्पेस कवर कर रहा है मेरे पूरे वॉल पे ये। एंड इसका जो पूरा क्वालिटी है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, जैसे कि फोटो में था बिल्कुल वैसा मिला भी है, 1800 रुपीज तक मुझे मिला है, एंड ये इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं आप सबको थोड़ा सा नजदीक से भी दिखाती हूँ। एक्चुअली इसके ऊपर ना पूरा यहाँ पे गोल्डन का पूरा ना फॉइल
पिंस पूरा जैसा इसमें दिया हुआ है, थोड़ा शिमरी भी है, तो थोड़ा सा मतलब हाथ फेरने पे इसमें थोड़ा सा निकलता भी है, बट जब आप एक बार इसको फिक्स कर दोगे वॉल पे तो इसमें कोई निकलने का कोई डर नहीं रहेगा। बट हाँ, इसकी जो डिजाइन एंड लुक है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। मीशो पे आपको सिर्फ इतने कम दाम में आपको मिला है, आप खुद भी चाहे तो सर्च कर लीजिए बाहर कितने ज्यादा प्राइस में आपको मिलता है ये। बट ये ना मीशो बहुत ही कम दाम में मिला है, आपके घर को सजाने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये, आप सभी के लिए जरूर ट्राई कीजिए। एंड आपको भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, ये रहा आज का मेरा वीडियो, एंड आई रियली होप कि आप सबको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा ये किचन का हॉल देख के एंड होम डेकोर का हॉल देख के। एक से एक पीस सस्ते है कि नहीं, बहुत ही अमेजिंग चीजें थी इस वीडियो में, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। अगर आप सबको और भी इस तरह की चीजें और भी देखने को चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। रियली होप आप सबको हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शुरू सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय बाय।